वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। अभी मैंगो का सीजन तो चल ही रहा है, इसमें अगर आपने घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाकर नहीं खाई तो फिर क्या खाया। तो आज मैं आपके लिए एकदम क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और उसी की सीध में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी रेसिपी जब भी आ रही है आपको पता चल सके। तो चलिए मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक आम लिया है जिसे हमने अच्छे से वॉश करके लिया है। अब इसे हम पील कर लेंगे। ये देखिए आम को हमने पील कर लिया है। अब इसे हम काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर तैयार किया हुआ है। अब इन्हें हम मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसका पल्प रेडी करेंगे। ये देखिए मैंगो का हमने पल्प रेडी कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक बोल लेंगे जिसके अंदर हम 1 कप व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। और उसे हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब तक कि वह अच्छे से फ्लफी और सॉफ्ट नहीं हो जाती। व्हिप्ड क्रीम आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए क्रीम हमारी रेडी है, बस इसी टाइम तक इसे हमें बीट करना है। अब इसमें हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। और मैंगो पल्प डालेंगे। और अच्छी तरह से इसे बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर कितना क्रीमी लग रहा है। आप इस मैंगो आइसक्रीम को ज़रूर बनाएं, यह आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत लग रही है। ये देखिए हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर एकदम रेडी है, और देखिए इसका मिक्सचर कितना फ्लफी और एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का मेरे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है। अब इसके अंदर हम आइसक्रीम के मिक्सचर को डाल देंगे। आप आइसक्रीम को जमाने के लिए कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं, और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। अब इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे जिससे कि वह इवनली सेट हो जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और फ्रीजर में 8 to 10 hours के लिए जमाने रख देंगे। 8 to 10 hours होने के बाद हमारी आइसक्रीम जम के पूरी तरह रेडी है। ये देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी क्रीमी लग रही है, और यह कितनी इजीली निकल रही है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम कुछ पिस्ता से गार्निश करेंगे। इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। और हमारी मार्केट स्टाइल मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें, यह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।